Hi guys, this इज़ किनरी सिंह एंड वेलकम टू ग्लिट्स विजन USA and एंड to टू द सेट ऑफ लॉकअप जैसे कि आज आप देख ही रहे हैं कि आज हम लॉकअप के सेट पे आए हैं एंड अगर मैं आई आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये सेट डिज़ाइन हुआ है सबसे पहले तो ये देख लीजिए ये होगा इसका एंट्रेंस जो कि पूरा सेटअप है जेल का देख सकते हैं वहाँ पर मिरर है एंड जो डोर है वो उसी तरह से पूरा, से से पूरा सेटअप है जैसे जेल्स में होता है तो ये है इसकी एंट्रेंस और अब आप यहाँ आइए ओके okay, तो सबसे पहले तो आपको शो के बारे में कुछ बता दूं आपको जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो लॉकअप है ये एक रियलिटी शो होने वाला है एंड ये जो पूरी थीम है ये जेल की थीम पे होगी जहां पे कंटेस्टेंट्स को लॉक किया जाएगा एंड जब प्रोमो दिखा था तब हमें लगा था कि क्या सच में पूरी जेल की थीम होगी लेकिन आज जब हम सेट पर आए हैं तब ऐसा लगा कि जी हाँ जेल में जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है मुजरिमों को अगर उस लेवल तक का नहीं लेकिन कुछ हद तक लॉकअप के कंटेस्टेंट्स को भी उस तरह का टॉर्चर किया जाएगा आइए सबसे पहले तो एक छोटा सा ग्लिम्स देते हैं कि यहाँ के रूम्स कैसे होंगे तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि जेल का ही कॉन्सेप्ट है बट ऑफकोर्स ऑन अ लग्जूरियस नोट जो ये बेड्स हैं अगर आप देखेंगे तो वो सब आयरन रॉड के बेड्स हैं आ, तो आप देखेंगे कि मेकर्स ने जितना हो सके ऑथेंटिक रखने की कोशिश की है अब आइए आपको बताते हैं अगर आप, आप यहाँ से जाएंगे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट है रेड कलर की बेंच है तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंटेस्टेंट्स जब भी हैंग आउट करेंगे आ, वो एक जब कंटेस्टेंट्स जब भी हैंग आउट करेंगे तो वो यहाँ पे बैठ के आपको गुफ्तु करते हुए दिखाई दे सकते हैं कंटेस्टेंट जैसे हम जानते ही हैं कि पूनम पांडे निशा रावल मुनवार फारूकी ये तीन अभी कन्फर्म कंटेस्टेंट हैं तो यहाँ पे बैठे या तो वो आपको गुफ्तु करते हुए नजर आएंगे या फिर झगड़े करते हुए स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए या फिर लड़ाई करते हुए तो आ, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सेट को डिज़ाइन किया है ओमन कुमार ने आ, जी हाँ ये वही है जिन्होंने बिग बॉस के सेट को भी डिज़ाइन किया था लेकिन बिल्कुल भी मैच नहीं है ये बिग बॉस के सेट से ये एक टोटली ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है तो अब मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगी इस घर में जो कि क्लियर नहीं है कि उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊँगी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक कैबिन बना है कांच का कैबिन है ठीक है तो तो देर मे बी चांसेस कि कंटेस्टेंट जब शायद कोई गलती करेंगे तो शायद उनके सज़ा के तौर पे यहाँ रखा जाएगा या फिर उसका कुछ और यूज़ भी हो सकता है बट ये एक कैबिन बना है मे बी जो भी कंटेस्टेंट एस्केप करना चाहेंगे जेल से उन्हें यहाँ रखा जाएगा अब आइए मैं आपको बताऊँगी इस घर में जो बाथरूम जो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ है एंड आई मस्ट से कि मेकर्स ने जो है बहुत ही उमदा काम किया है स्पेशली फॉर द वॉशरूम एंड आई टेल यू द रीज़न वाई अगर आप वॉशरूम यहाँ पर देख सकते हैं तो बहुत ही ओथेंटिक uh, रखा है लग्जूरियस uh, इसे बनाने का बिल्कुल ट्राई नहीं किया गया है uh, आप देख सकते जैसे ये कर्टन्स हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो शावर भी है uh, बहुत ही बेसिक सा है बिल्कुल भी लग्जूरियस नहीं है एंड uh, अगर आप टैब्स uh, भी देखेंगे वो भी जंक लगे हुए हैं तो मेकर्स ने बहुत कोशिश की है इसे ऑथेंटिक बनाने की अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी इस गेम के कॉन्सेप्ट के बारे में तो ये जो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कर्टन्स हैं ये पहले से यहाँ पे नहीं रहेंगे हमें ये बताया गया है कि कंटेस्टेंट्स जब यहाँ पे आएंगे नहाने के लिए या फ्रेशन अप होने के लिए आ, ये कर्टन्स भी यहाँ नहीं होंगे उन्हें कुछ टास्क दिए जाएंगे जहाँ पे उन्हें ये कर्टन्स न करने हैं एंड कर्टन्स अर्न करने के बाद कुछ और ऐसे टास्क होंगे जहाँ पर उन्हें अगर वो जीतते हैं तो उन्हें दरवाजे भी मिलेंगे फॉर अ गुड प्रिवेसी तो आप देख सकते हैं कि दिस शो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू तो बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अगर इतने सारे चैलेंजेस इस लेवल से स्टार्ट है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉकअप इज़ नॉट गोइंग टू तो बी एन ईजी शो फॉर द कंटेस्टेंट तो जी हाँ ये है बाथरूम का सेटअप अगर आप यहाँ भी देखें यहाँ पे आ, आ, कपड़े धोना हुआ या फिर आ, बेसिकली यू नो हल्का सा फ्रेशन अप हो, होना हुआ तो ये वहाँ की स्पेस है ओके नाउ लेट्स गो टू अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सेटअप ओके okay, तो इस सेट uh, पे जैसे मैंने कहा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चीज़ में से ये एक है जैसे कि आपने देखा कि ऊपर का जो सेटअप है वहाँ पे बेसिकली एक वार्डन रहेगा ठीक है एंड यहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट एस्केप करने की कोशिश करेंगे उन्हें यहाँ पे जेल में बंद कर दिया जाएगा जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी रियलिटी शो एक टाइम के बाद इतना टॉक्सिक हो जाता है कि कंटेस्टेंट हमेशा ट्राई करते कि वो यहाँ से एस्केप कर ले चाहे वो बिग बॉस हो एंड जिस तरह से सेटअप यहाँ पे बनाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमरा भी है एंड यहाँ पर लाइटिंग भी दी है तो जो भी कंटेस्टेंट पहले गिव अप करना चाहेंगे उन्हें यहाँ पे क़ैद कर लिया जाएगा तो अब चलते हैं आ, सेट के दूसरे हिस्से में आइए ओके okay, तो आपने बेसिक चीज़ें देखी आपने बाथरूम देखा यहाँ पे कुछ बेड्स हैं आपने वो देखा आपने वार्डन कहाँ पे रहेगा एंड अगर कोई एस्केप करना चाहेगा तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा आपने वो भी देख लिया अब मैं आपको बताऊँगी यहाँ का किचन एरिया कैसा होगा जहाँ पे लोग डाइन करेंगे एंड गुफ्तु करेंगे तो आइए चलते हैं तो अब हम एंट्री करेंगे किचन एरिया में जैसे कि आप सब जानते हैं रियलिटी शोज़ में स्पेशली इस तरह के रियलिटी शोज़ में किचन एरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अधिकतर जो भी लड़ाई होती है गुफ्तु होती है या फिर गॉसिप और ड्रामा होता है वो किचन एरिया में होता है तो आइए चलते हैं किचन एरिया में अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेट है मैं आपको एक सेट टूर दे दूंगी दे किचन से पहले यहाँ पे जो है कंटेस्टेंट्स ऑफ कोर्स बैठेंगे खाना खाएंगे गप्पे मारेंगे ड्रामा होगा तो ये है बैठने का पूरा सेटअप एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरर्स भी हैं काफ़ी खूबसूरत सा सेटअप है और अब मैं आपको बताऊँगी किचन एरिया एग्जैक्टली exactly कैसा होगा तो आइए तो जैसे कि आपने देखा ये होगा बेनकाब जोन अब आप नाम से ही जान सकते हैं कि इस दरवाज़े के पीछे जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा धमाकेदार होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलिब्रिटीज़ होंगे या जो भी कंटेस्टेंट होंगे उनके जो नकाब है वो उतारे जाएंगे और उनके कुछ अलग ही चेहरे सामने आएंगे तो डेफ़िनेटली ये जो जोन है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड अब मैं आपको बताऊँगी किचन में कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा किचन जो है वो हर एक रियलिटी शो का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जितने भी झगड़े लड़ाई या बॉन्डिंग होता है या बॉन्डिंग टूटती है वो मोस्टली इसी किचन एरिया में होता है तो आइए चलते हैं यहाँ के किचन एरिया में जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इस घर का सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होने वाला है वो है किचन तो अब मैं अब यहीं से शुरू करती हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा होगा जहाँ पे खाना बनाया जाएगा ये है गैस ये है यहाँ के बर्तन एंड अगर आप देख सकते हैं कि थोड़ा इसमें पुराने तरीके से भी मिक्सचर नहीं है यहाँ पे जो भी मसाले होंगे वो ये यूटेंसिल्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत मुशक्कत करनी होगी जैसे कि आप देख सकते हैं अगर कंटेस्टेंट को कुछ भी बनाना हो चाहे वो सब्ज़ी होगी नॉर्मल दाल होगी या फिर कुछ भी उन्हें मसाले यहाँ पर कूटने पड़े एंड ऑफकोर्स बिकॉज देर आर सेलिब्रिटीज तो ये सब काम करना एंड एक छोटी सी चीज बनाने में इतनी मेहनत करना तो आप गेस कर ही सकते कि अगेन इवन मेकिंग अ फूड इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट अब आइए हम और आपको आके बताते हैं अगेन uh, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो जिस तरह से आप जानते जैसे इसे हम यूज करते हैं जब कुछ कुछ भी छानना रहता है या खाना बनाना रहता है तो हम इसे यूज करते हैं एंड एक और बात अगर आप देखेंगे तो उसका साइज काफी बड़ा है तो इसका मतलब तो डेफिनेटली जो खाने के यूटेंसिल्स होंगे वो बड़े होंगे क्योंकि सारे ही कंटेस्टेंट्स का खाना जिस तरह से जेल में होता है एक ही बर्तन में बनाया जाएगा आ, यहां पे अगर अगर आप आप देख सकते हैं तो हैं तो जग्स जिसमें पानी पीएंगे. ये है है इनके कप्स कप्स अगेन देखेंगे कि कि का जो लुक जैसे कि जेल में हम अक्सर देखते हैं कि एल्यूमिनियम का कप रहता है यहाँ पे थोड़ा हल्की सी लग्जरी दी है बिकॉज ऑफ कॉर्स सेलिब्रिटीज है अगेन आप देखेंगे यहां पर रोटी बनाने का सामान है यहाँ पे जाज है एंड देन अगेन यहां पे जो है ये यूटेंसिल एंड uh, ये अगर आप देखेंगे तो जेल में भी इस तरह से कई यूटेंसिल्स में ही जो है खाना दिया जाता है सो so, अगेन uh, बहुत ही ऑथेंटिक बनाने की उन्होंने कोशिश की है ये मसाले के जार्स हैं जिसमें मसाले रखे जाएंगे अगर आप बर्तन यहाँ पे देखेंगे तो मैं जिसकी बात कर रही थी कि ये जो खाना है वो इन्हीं बर्तनों में बनेगा क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फूड होने वाला है न दिस आर अगेन द यूटेंसिल्स छोटे छोटे पैनज हैं अगर आप देख सकते हैं हम एंड द uh, thing विच आई वुड लाइक टू फोकस ऑन कि इसकी जो बनावट है अगर आप देखेंगे तो बनावट जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से रखी गई है इट इज़ अगेन नॉट a लग्जरी थिंग क्योंकि यहाँ पे ईट है एंड अगर आप यहाँ का टेक्स्चर भी देखेंगे तो उसको अच्छे से पॉलिश नहीं किया गया है सीमेंट भी जो है काफ़ी रॉ है तो बहुत रॉ रखने की कोशिश की गई है अब हम यहाँ पे आते हैं ये डेफिनेटली वो एरिया होगी जहाँ पे यूटेंसिल्स को वॉश किया जाएगा अगेन आप देखेंगे ये बहुत ही रॉ तरीके से बनाया गया है बिल्कुल भी लग्जरी इसमें ऐड नहीं की गई है एंड uh, ये जो है ये दो uh, बड़े बड़े uh, यूटेंसिल्स हैं जहाँ पे बर्तनों को रखा जाएगा एंड uh, जो भी कंटेस्टेंट्स होंगे वहाँ पे बर्तन ये वॉश होंगे अगेन इफ़ यू कैन सी द टैप्स इट इज़ वेरी नॉर्मल तो ये होगा जहाँ पे ऑफकोर्स बर्तन जो है वो वहाँ के काम होंगे एंड यहाँ पे अगेन मसालों के डब्बे हैं अल्युमिनियम के डब्बे हैं तो आटा चावल जो भी ये खाना बनाने की चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी जाएंगी एंड थोड़ा कैमरा अगर आप ऊपर पैन करेंगे तो ये भी देखेंगे ये ट्रेस है तो जो भी सर्विंग होगी वो ये ट्रेस को इस्तेमाल करके की जाएगी एंड अगेन अगर आप इस घर में देखेंगे देर इज़ समथिंग हर जगह काफ़ी मिरर्स हैं तो आई थिंक देर इज़ समथिंग थिंग इट कम्स टू दोज़ मिरररस बिकॉज किचन में भी मिरर होना बेडरूम में भी मिरर होना लिविंग एरिया में भी मिरर होना तो हर जगह यहाँ पे मिररस हैं उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलार्म जैसा कुछ है इट कैन बी एन अलार्म ऑल्सो इट कैन बी अ नॉर्मल लाइट ऑल्सो तो अगर एक नॉर्मल लाइट है तो अगेन जेल में भी uh, इस तरह की लाइट्स होती है तो ये वो है अगेन अगर आप देखेंगे तो एक ड्रम है जैसे नॉर्मली जेल्स में होता है या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है तो जो भी पानी वानी का इस्तेमाल होगा वो ये ड्रम से होगा एंड देन देज अ डस्टबिन एंड ये है uh, चाय की uh, केटली uh, अधिकतर हम कंटेस्टेंट को खाने से ज़्यादा हुआ यही देखते हैं चाय पीते हुए देखते हैं तो इसमें उन्हें चाय सर्व की जाएगी एंड दिस ऑफकोर्स इज द क्लिनिंग एरिया तो जिस बात पे कंटेस्टेंट की सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है वो अक्सर क्लैनलीनेस को, को लेके ही होती है हाइजीन को लेके ही होती है एंड ये एक ऑलरेडी जेल है जिसकी बाथरूम की एम्यूनिटीज़ भी बहुत सिंपल है तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्लिनलीनेस को लेके यहाँ पे कितना ज़्यादा झगड़ा होने वाला है अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया है और तो अगर आपने पूरे टूर में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस की होगी वो एक चीज़ ये कि इस घर के ऑलमोस्ट हर दीवार और हर कोने पे कांच है एंड कांच के ऊपर कैमरा है तो ऑफकोर्स जेल का जो लिविंग रूम है एंड बाथरूम समझ में आते हैं लेकिन किचन में भी कांच है एंट्रेंस पर भी कांच है तो आई एम अज्यूमिंग एंड गेसिंग कि इसके पीछे कुछ तो राज होने वाला है हर एक कांच के पीछे अब वो आपको आगे शो में ही पता चलेगा तो जी हाँ ये जो था ये पूरा पूरा किचन का टूर था तो पूरा सेट आपने देख लिया है ऑलमोस्ट अब मैं आपको बताऊंगी इस सेट का मेन एरिया आप इसे बेडरूम भी कह सकते हैं या फिर इस शो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो है ये एग्जैक्ट जेल है तो आइए चलते हैं कि कंटेस्टेंट्स आपको कहाँ मैक्सिमम दिखाई देंगे तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड्स हैं एंड अब अगर देखेंगे बेड्स के नीचे एक अटैची भी रखी है तो कंटेस्टेंट्स का जो भी सामान है ऑफकोर्स वो उस अटैची में होगा एंड अगर आप और देखेंगे तो हर बेड के बाजू में एक कैमरा है सो डेफिनेटली देर इज़ नो प्रिवेसी कंटेस्टेंट जो भी बात करेंगे uh, चाहे वो इंटेंस बात होगी या नॉर्मल बात होगी सब कुछ ही कैप्चर uh, होने वाला है एंड जो थोड़ा बहुत हमें कॉन्सेप्ट पता चला है शो के बारे में वो ये भी है कि देयर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट फॉर द इनिशियल टाइम टू टीम्स वन विल बी टीम ए एंड वन विल बी टीम बी तो जो टीम ए होगी वो एक जगह होगी एंड जो टीम बी होगी वो एक जगह होगी हम आपको कुछ और भी बताते जैसे छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देख पाएंगे तो ये बेड के वहाँ पर यह एक छोटा सा टेबल है तो कंटेस्टेंट्स का जो भी सामान होगा वो यहाँ पे रखेंगे एंड अगर आपको बिग बॉस सीजन याद है तो शायद जो भी कंटेस्टेंट्स के सामान की चोरी वोरी भी होगी वो इसी टेबल से होगी देन देर इज कंटेस्टेंट्स को जिसमें तैयार होना रहेगा तो यहाँ के लिए मिरर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अगर आप ये देखेंगे तो बेड के ठीक ऊपर ये एक ब्लैक कलर की चीज बनी हुई है नॉट दिस कैन बी एनी थिंग इट कैन आइदर बी एन अलार्म और इट कैन बी एनी थिंग बट इट्स इट्स अ स्मॉल टाइप ऑफ थिंग विच इज मोर और लेस ये एक अलार्म होगा तो इस तरह से कुछ होगा लॉकअप के कंटेस्टेंट्स के बेडरूम आने वाले जितने भी दो तीन महीने हैं वो यहाँ पे इस सेटअप में बिताए जाएंगे एंड जैसे कि मैंने कहा काफ़ी ऑथेंटिक बनाया अगर आप ऊपर भी देखेंगे इसकी जो लाइटिंग्स हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक तरह से बनाई गई है और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी ये देखिए Uh, अब ये एक और कुछ बनाया गया है बट uh, सब कुछ रिवील नहीं किया गया है इसके बाजू बाहर अगर आप देखेंगे तो ये एक डोर जैसी चीज़ है बट अभी एग्जैक्टली क्या होगी ये आपको इवेंचुअली शो में ही पता चलेगा एक uh, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगी कि जो ये लाइट्स है ये इस तरह की कुछ लाइट्स है कि आप अपने हिसाब से कंटेस्टेंट मैनिपलेट कर सकते हैं uh, वो चाहे तो डे लाइट करके पूरा दिन में बता सकते हैं या फिर चाहे तो वो लाइटिंग को एडजस्ट करके दिन में भी रात का माहौल बना सकते हैं बिकॉज इट इज ऑब्वियसली कवर्ड अप आप देख सकते हैं कहीं से भी सनलाइट नहीं आने वाली है विच इज अगेन अ मेजर टास्क फॉर ऑल द कंटेस्टेंट एंड अगेन अ बिग कैमरा जो हर कंटेस्टेंट पे नजर रखेगा उनकी हर हरकतों पर तो अब जैसे कि आपने ये जो टीवी देखी है ये बेसिकली वो टेलीविजन होने वाला है जिसके थ्रू कंगना जो है घर वालों से कनेक्ट करेंगी एंड जो भी घर वाले होंगे वो यहीं पे टेबल्स पे एंड चेयर्स पे बैठेंगे एंड इस तरह से कंगना जो है टीवी वी स्क्रीनस पे होंगी एंड कंटेस्टेंट यहीं बैठेंगे एंड कंगना से कनेक्ट कर पाएंगे या फिर जो भी कोई और बाहरी दुनिया से अगर कंटेस्टेंट्स के साथ कनेक्ट करना चाहता है तो वो यही लिविंग स्पेस होने वाला है यहीं पर बैठ के जो है सारी गुफ्तगु होगी जो डाट है, जो क्रिटिसिज्म जो क्रिटिसाइज किया जाएगा या फिर जो अच्छी बातें हैं बुरी बातें वो यहीं पे जाके होगी अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगी वो है ये जैसे कि आप जानते हैं नाम लिखा है झोल घर ठीक है तो आपने देखा होगा कि ये झोलकर है वहां पे एक और एरिया था बेनकाब करके एरिया तो ये जो कुछ है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फिलहाल इसमें जाना अलाउड नहीं है मे बी इट इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज जो आपको शायद शो के वक्त ही पता चलेगा बट झोल घर है तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद कंटेस्टेंट्स जो भी सामान चोरी करते हैं एक दूसरे का वो यहां पे रखा जाएगा प्रॉप्स यहाँ पे रखे जाएंगे या फिर इनाम जो है वो भी यहाँ पर रखा जाएगा बट एज द नेम सजेस्ट झोलघर है तो काफ़ी ज्यादा झोल होने वाला है लेकिन आपका एंटरटेनमेंट काफी ज्यादा होने वाला है सो अगेन वेरी स्मॉल बट क्वाइट यूनिक थिंग विच आई वुड लाइक टू शो अगर आप देख रहे होंगे तो इस तरह से दीवार पे जो है डिज़ाइन की गई है एंड लाइंस है यहाँ पे इस तरह का अगर आप देखेंगे तो अगर आपने कभी फिल्में भी देखी होंगी या सीरियल्स भी देखे होंगे तो जेल की जो दीवारों पे है अक्सर इस तरह की कुछ भी स्क्रिबल्स या ड्राॅइंग्स जो है इंटीमेट्स जो भी कैदी रहते हैं वो करते हैं तो इस तरह के अगेन एक बहुत ही नॉर्मल एंड रियल टेक्सचर देने की कोशिश की है इन लाइट्स में एंड जिस तरह से स्क्रिबल्स किए गए हैं तो उस तरह से टेक्सचर देने की कोशिश की गई है तो लॉकअप जो है ये एक रियलिटी शो है बट ओ टी प्लेटफॉर्म के लिए आप इसे एम एक्स प्लेयर पर भी देख सकते हैं एंड ऑल्ट बालाजी पर भी देख सकते हैं इस शो में कंटेस्टेंट्स के साथ एग्जैक्टली क्या होगा ये अब तक क्लियर नहीं है पर जितना भी हमें पता है वो ये है कि जो भी कंटेस्टेंट्स होंगे उनके साथ उस तरह से मोर और लेस वैसा ही व्यवहार होगा जो जेल के कैदी के साथ होगा इसकी जो होस्ट है वो कंगना रनौत होने वाली है कंगना वैसे भी अपने बोल्ड नेचर के लिए एंड वेयरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव्स एंड वेरी ब्लांड एंड वेरी बोल्ड वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जानी जाती है एंड वो किस तरह से कंटेस्टेंट के साथ बिहेव करेंगी किस तरह से उनका रिलेशनशिप होगा कंटेस्टेंट के साथ ये डेफिनेटली एक देखने वाली बात होगी क्या वो अपने जो उनका ट्रू सेल्फ है जो कि काफ़ी बोल्ड है strong है एंड ऑन टू द पॉइंट है क्या वो उस तरह से रहेंगी या फिर वो लीनियंसी एक कंटेस्टेंट्स को लेकर बढ़तेंगी ये बहुत ही देखने वाली बात होगी बिकॉज कंगना खुद जो है पहली बार ऐसे शो को आई I मीन mean, पहली बार वो एक रियलिटी शो को होस्ट कर रही है तो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा सेट टूर है जो हमने आपको बताया उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि, कि किस तरह से ये रियलिटी शो होने वाला है कंटेस्टेंट्स के साथ क्या क्या ज्यादा होने वाली है एंड आपका किस तरह से एंटरटेनमेंट होगा तो ये था पूरा लॉकअप का ये जो सेट है उसका टूर था आ, हमारा रिव्यू तो यही होगा कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज टेलीविजन में कभी इस तरह का सेटअप हमें तो देखने नहीं मिला है आ, बहुत ऑथेंटिक तरीके से कोशिश की गई है कि जितना ऑथेंटिक हो सके उस तरह से ये सेट बनाया जाए चाहे वो बाथरूम्स है हो या फिर किचन एरिया हो काफ़ी सिंपल बट ऑथेंटिक है एंड वी होप कि ये जो शो है uh, सेट जितना खूबसूरत है uh, व्यूवर्स को भी ये शो और ये सेट उतना ही ज़्यादा पसंद आए सो या दिस वॉज द लॉकअप सेट एंड वी आर ईगर्ली वेटिंग कि ये कब हमें एम एक्स प्लेयर एंड ओल्ड बालाजी में दिखे एंड तीन कंटेस्टेंट जो कि ऑलरेडी कन्फर्म हो चुके हैं उसके अलावा बाकी के कंटेस्टेंट्स क्या क्या होने वाले वो भी हमें जल्द से जल्द पता चल जाए सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर मोर of news, gossips, and interviews.